दोस्तों लगातार 30 सालों तक WWE में रेसलिंग करके जितना बड़ा नाम है दी अंडरटेकर ने कमाया है, उतना ही बड़ा उनका रसलमेनिया में जीतने का रिकॉर्ड है। उन्होंने लगातार 21 सालों तक रसलमेनिया में जीत का रिकॉर्ड दर्ज किया है, जिसे तोड़ पाना नामुमकिन है। लेकिन रसलमेनिया 30 में ब्रोक लेसनर ने दी अंडरटेकर के लगातार जीत के सफर को रोक दिया और उन्हें हरा दिया। लेकिन क्या आपको पता है कि द बीस्ट इनकार्नेट ब्रोक लेसनर से पहले भी कई बड़े सुपरस्टार्स को WWE ने दी अंडरटेकर की स्ट्रीक को तोड़ने के लिए चुना था, लेकिन दी अंडरटेकर की महानता को देखकर सभी ने उन्हें हराने से मना कर दिया। तो चलिए जानते हैं 5 ऐसे WWE सुपरस्टार्स के बारे में जिन्होंने दी अंडरटेकर को रसलमेनिया के स्टेज पर हराने से मना कर दिया था। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल रसलिंग देखो 360 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि WWE से रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल पर देखने को मिलती रहेगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है द वाइफर करंट WWE चैंपियन रैंडी ओर्टन का। तो अभी जब 2020 में WWE ने दी अंडरटेकर की डॉक्यूमेंट्री द लास्ट राइड को WWE नेटवर्क पर रिलीज किया, तब उस डॉक्यूमेंट्री में रैंडी ओर्टन ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि रसलमेनिया 21 में दी अंडरटेकर और उनके बीच एक शानदार मुकाबला हुआ और उस मैच में वो WWE के अब तक के सबसे लेजेंडरी रेसलर का सामना करने जा रहे थे, क्योंकि रैंडी ओर्टन उस टाइम करीब 25 साल के थे और उन्होंने कुछ ही टाइम पहले WWE में अपना डेब्यू किया था और उस मैच के दौरान वो काफ़ी नर्वस भी थे। लेकिन मैच काफ़ी कमाल का था और लास्ट में दी अंडरटेकर ने रैंडी ओर्टन को हरा दिया, जिसके बाद रैंडी ओर्टन ने बताया कि दी अंडरटेकर की स्ट्रीक को तोड़ने के लिए काफ़ी कुछ सोचा गया था, लेकिन अगर स्ट्रीक तोड़ दी जाती तो दी अंडरटेकर के लिए वो सब सही नहीं होता और इसीलिए दी अंडरटेकर की स्ट्रीक रसलमेनिया 21 के बाद भी कंटिन्यू रही और एक तरह से द वाइफर लेजेंड किलर रैंडी ओर्टन ने साबित कर दिया कि वो कितनी रिस्पेक्ट दी अंडरटेकर की करते हैं। और इसके बाद नंबर 2 पर है मार्क हेनरी। मार्क हेनरी का नाम भी एक बार सामने आया था कि वो दी अंडरटेकर की रसलमेनिया स्ट्रीक को तोड़ने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि मार्क हेनरी एक जायंट रसलर थे और वो दी अंडरटेकर की रसलमेनिया की स्ट्रीक को तोड़ने के लिए काफ़ी हद तक परफेक्ट थे। और जब इस चीज़ के लिए WWE के बैक स्टेज में डिस्कस हुई, चर्चा हुई, तो मार्क हेनरी ने साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि दी अंडरटेकर को जो भी बड़ा सुपरस्टार हरा था उसके ऊपर काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती और एक तरह से फैन फेवरेट दी अंडरटेकर को हराने वाले सुपरस्टार को फैंस का कैसा रिएक्शन मिलेगा इसका भी डर रहता है। और इसीलिए मार्क हेनरी ने अपना नाम द स्ट्रीक को तोड़ने के लिए वापस ले लिया और इसके बाद दी अंडरटेकर की स्ट्रीक यहाँ भी कंटिन्यू रहती है। और लिस्ट में नंबर 3 पर है एड्ज का नाम है। तो एड्ज के नाम को लेकर भी रसलमेनिया 24 के टाइम में अफवाहें सामने आई थी कि एड्ज स्ट्रीक को तोड़ने के लिए सही है, क्योंकि उस टाइम एड्ज कंपनी के टॉप सुपरस्टार्स में से एक थे और जब एड्ज को इस चीज़ का पता चला तब उन्होंने कहा कि स्ट्रीक को तोड़ने की क्या ज़रूरत है, वो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि फैंस अंडरटेकर और उनकी स्ट्रीक को पसंद कर रहे हैं और तो उसे तोड़ने की क्या ज़रूरत है। और वैसे भी उन्होंने WWE में रहते हुए उस टाइम तक काफ़ी सारे टाइटल्स जीतकर WWE में काफ़ी नाम कमा लिया था और अगर वो स्ट्रीक भी तोड़ देते तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती। और इसके बाद एड्स ने इंटरव्यू में बताया कि स्ट्रीक रसलमेनिया में उतनी ही इम्पोर्टेंट हो चुकी थी जितना कि एक टाइटल मैच, और इसीलिए एड्स ने भी स्ट्रीक को तोड़ने के लिए साफ साफ
मना कर दिया। और उसके बाद नंबर 4 पर काफी इंटरेस्टिंग नेम जो कि है कर्ट एंगल का। तो कर्ट एंगल ने लास्ट राइड डॉक्यूमेंट्री के इंटरव्यू के दौरान बताया कि 2006 में मैं चैंपियन था और दी अंडरटेकर उनके पास आए और उन्हें बताया कि वो उनके साथ रसलमेनिया में फाइट करना चाहते हैं, क्योंकि अंडरटेकर भी कर्ट एंगल के साथ एक 5-स्टार मैच चाहते थे। लेकिन जब विंस मैकमैन को इस बात के बारे में पता चला तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया और उन्होंने कर्ट एंगल वर्सेस दी अंडरटेकर के रसलमेनिया के मैच को कैंसिल कर दिया। अगर वो मैच होता तो शायद कर्ट एंगल अंडरटेकर को हरा देते, क्योंकि कर्ट एंगल उस टाइम के लिए काफी बड़ा नाम था। लेकिन विंस मैकमैन ने ऐसा नहीं होने दिया। और उसके बाद नंबर 5 पर जो नाम है वो थोड़ा नहीं बल्कि पूरा ही शॉकिंग है, क्योंकि वो नाम है द बीस्ट इनकार्नेट ब्रोक लेसनर का, जिसने रसलमेनिया 30 में दी अंडरटेकर की स्ट्रीक को तोड़ा था। दरअसल रसलमेनिया 30 से पहले ब्रोक लेसनर ने दी अंडरटेकर की स्ट्रीक को तोड़ने से मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो ऐसा करते हैं तो फैंस उन्हें कैसा रिस्पॉन्स देंगे। जिसके बाद दी अंडरटेकर ने खुद ब्रोक लेसनर से बात की, उन्हें कन्विंस किया कि स्ट्रीक को तोड़ना होगा, क्योंकि सपोर्ट से बड़ी कोई चीज नहीं होती और ये स्ट्रीक काफी ऊपर पहुंच चुकी है, अब इसे रोकना होगा। और उसके बाद WWE और दी अंडरटेकर ने काफी कोशिश की थी, जिसके बाद ब्रोक लेसनर दी अंडरटेकर की रसलमेनिया स्ट्रीक को तोड़ने के लिए माने थे। और जब ब्रोक लेसनर ने दी अंडरटेकर की स्ट्रीक तोड़ी तो उसके बाद ब्रोक लेसनर का WWE करियर बदल गया, क्योंकि WWE ने उन्हें काफी स्ट्रॉन्गली से बुक किया और कई चैंपियनशिप जिताई। और आज ब्रोक लेसनर WWE का एक ऐसा नाम है जिसे फैंस देखने के लिए महंगी से महंगी टिकट खरीद सकते हैं, और ये सब दी अंडरटेकर की रसलमेनिया की स्ट्रीक की वजह से पॉसिबल हो पाया है। तो वैसे दोस्तों, आप भी दी अंडरटेकर की रसलमेनिया स्ट्रीक के बारे में क्या सोचते हो कमेंट करके जरूर बताना, और ये स्ट्रीक को टूटना चाहिए था या नहीं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रसलिंग से जुड़ी ऐसी वीडियोज मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।